बात कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। यूं तो इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है, भले ही उनके साथ फॉर्म नहीं है, वही इंडिया अभी फॉर्म के साथ भी है, मजबूत भी टीम है। लेकिन अब इंग्लैंड के पास कुछ खोने के लिए रहा नहीं है। वो ऐसे भी बेखौफ गेम खेलती थी जिसका नतीजा ये रहा है, मारना मारना मारना, यही जानती थी। तो कल क्या कैसा परफॉर्म कर सकती है इंग्लैंड, चाहेगी वो बदला लेना, रिटर्न करना, क्योंकि बड़ी टीम है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या इंडिया सीधा जीत जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड कल इंडिया को हरा दे, इंडिया का पहला लॉस हो जाए, बहुत कुछ प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। तो कैसा मैच होगा और सेशंस कैसे जाएंगे, ए टू जेड बात किया जाएगा इस वीडियो में। ड्रीम इलेवन टीम भी बताई जाएगी, हेड टू हेड ग्रैंड लीग के लिए किस टीम को, किस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। तो वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत करिएगा। चलिए सबसे पहले तो मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए, 7428525767, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैच से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, सेशंस, हु विल विन जानना है, कौन सी टीम जीतेगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारा राठौर प्रिडिक्शन 07 सब स्मॉल में सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो। उससे बेटर ऑप्शन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके ज्वाइन हो जाना। वहीं पे सेशंस भी आते हैं डेली, 3 सेशंस, और मैच भी आते हैं कौन सी टीम जीतेगी, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं डेमो के तौर पर। कल एक ही मैच है 2 बजे से। वेदर का बात करें तो 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, चांसेस ऑफ रेन निगेटिव है, ह्यूमिडिटी 45% की रहने वाली है, स्लो सरफेस है, स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस है, बॉल थोड़ा रुक के आएगा, स्लगिश कंडीशन होने वाला है। लखनऊ में पहला मैच खेलने वाली है टीम, तो यहाँ पे जो सेशंस है उसको थोड़ा सा आपको मद्देनजर रखना है। वैसे भी अगर स्पिन डिपार्टमेंट का बात करें तो इंडिया नो डाउट बहुत डोमिनेट कर सकती है यहाँ पे, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। वही इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ा फीका है स्पिन डिपार्टमेंट। बाकी यहाँ पे जो सेशंस होंगे वो ज़्यादातर यस नहीं होंगे, कोई भी टीम फर्स्ट बैट पे आ जाए ये नहीं सोचना है कि रन मारेगा, विकेट जा सकता है, बॉल रुक के आएगा, थोड़ा ध्यान से सेशंस को खेलना है। बाकी सेकंड बैट को काइंड ऑफ एडवांटेज होने वाला है, डिफैक्टर यहाँ पे प्रिवेल करता ही है, तो सेकेंड बैट कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी चाहेगी कि हम चेज करें। देखिए अभी तक 7 मैचेस टोटल हुए, यहाँ पे 3 बार फर्स्ट बैट, 4 बार सेकेंड बैट जीती है, एवरेज बैटिंग स्कोर भी क्वाइट लो है, फर्स्ट बैट 232 ही है, साउथ अफ्रीका 311 मारी है, तो बहुत अच्छा पारे स्कोर से भी ऊपर का टोटल है। यहाँ पे 280 270 भी फर्स्ट बैट करने के बाद एक फाइटिंग टोटल हो सकता है, ठीक है, हल्का बॉल स्पिन भी होगा, रुक के आएगा। बाकी लोएस्ट टोटल है 149 का साउथ अफ्रीका का ही, पैटर्न देख सकते हैं 200 से भी नीचे 2 बार लगा हुआ है, 200 या 249 3 बार लगा है, एबव 250 to 299 एक ही बार लगा है, 300 से ऊपर 1 बार लगा है, तो ज़्यादा यहाँ पे हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं होना है। तो सबसे पहली बात तो फैंसी यहाँ पे अगर जो खेलते हो श्योर शॉट फैंसी हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ विकेट 12 प्लस गिर सकते हैं दोनों इनिंग मिला के, नंबर ऑफ बाउंड्रीज लो हो सकता है, सिक्सेस भी लो हो सकते हैं, बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस भी बड़ा है, तो ये सब आप सेशंस खेल सकते हो, प्लस टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड्स वो भी आप नोट करके चल सकते हो, 3-4 अगर दिख रहा है तो नोट कर लीजिए, उतना 100 नहीं लगने वाला है। लास्ट 3 मैचेस का यहाँ पे हिस्सा देखते हैं कैसा हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखिए नीदरलैंड 262 मारी, चेस कर ली श्रीलंका, लेकिन यहाँ पे अच्छा चेस किया श्रीलंका जैसी टीम ने, अच्छा चेस किया, नहीं तो बहुत अच्छा टोटल यहाँ पे नीदरलैंड ने खड़ा कर दिया था, ठीक है। 8 विकेट पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर्स को 1 विकेट, फिर 4 विकेट पेसर्स को, स्पिनर्स को 1 विकेट सेकेंड इनिंग में, तो पेसर्स को टोटल 12, स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट यहाँ पे मिला है। लेकिन देखिए स्पिनर्स यहाँ पे हल्का बहुत स्पिन होगा, और स्पिन होगा तो यहाँ पे परेशानी खड़ा करेगा, और विकेट हो सकता है कि उस ओवर को अच्छा खेलने के थोड़ा रोक के खेलेगा, और डोमिनेट करना चाहता है बैट्समैन की, अगला फास्टर आएगा तो उसको मारेंगे, फिर वहीं पे फंसता है, तो प्रेशर क्रिएट करेंगे यहाँ पे स्पिनर्स। श्रीलंका 209, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चेज कर गई 215, 5 विकेट से जीत गई, 4 विकेट पेसर्स को, 5 विकेट स्पिनर्स को, तो देख सकते हैं स्पिनर्स ने यहाँ पे ज़्यादा विकेट निकाले थे, फिर 3 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में। तीसरा मैच देख सकते हैं साउथ अफ्रीका यहाँ पे 311 मारी है, तो बहुत ऊपर का टोटल मार दी थी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 177 ही मार पर 134 रन दे जीत गई, 4 विकेट पेसर्स को, 3 विकेट स्पिनर्स को, 6 विकेट पेसर्स को, फिर स्पिनर्स को 4 विकेट, तो ओवरऑल यहाँ पे 29 विकेट पेसर्स को, स्पिनर्स को 15 विकेट मिला है, तो डबल से भी ज़्यादा पेसर्स विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है, ये थोड़ा स्लगिश है, थोड़ा रुक के आएगा, तो बैटिंग उतना आसान होने नहीं वाला है। हेड टू हेड में 106 मैचेस इन दोनों के बीच में हुआ है, जहाँ पे इंडिया 57 न्यूजीलैंड 44, 3 नो रिजल्ट्स, 2 टाई भी है। न्यूट्रल वेन्यू पे बात करें तो 6 विन है इंडिया का और 4 विन है यहाँ पे इंग्लैंड का, तो इंडिया तो डोमिनेट कर रही है नो डाउट। बाकी लास्ट 6 ODIs में देख सकते हैं तो इंडिया 4 और इंग्लैंड 2 जीती है, तो यहाँ पे भी इंडिया डोमिनेट कर रही है लास्ट 6 ODI में। वर्ल्ड कप में 8 मैचेज हुए हैं, इंडिया 3 ही जीती है, इंग्लैंड 4 जीती है, एक मैच टाई भी हो गया है 2011 में,
तो वर्ल्ड कप में थोड़ा सा एक पॉइंट ज्यादा है, एक बार ज्यादा जीती है इंग्लैंड। लखनऊ में बात करें तो इंडिया एक मैच खेली है जिसमें से वो हार गई थी वर्सेस साउथ अफ्रीका। वही यहाँ पे बात करें इंग्लैंड तो इस वेन्यू पे कभी खेला नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज होगा इंडिया को इस कंडीशंस का। पता है केएल राहुल कैप्टन भी करते हैं, यहीं से खेलते हैं आईपीएल में, तो बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। टिकाना स्टेडियम अभी तक 3 मैच हुआ है, एक बार फर्स्ट बैट, 2 बार सेकेंड बैट, लास्ट 2 मैच यहाँ पे चेस करते हुए टीम जीती है। तो जैसा मैंने बोला कि ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता है, तो वही देखने को मिल भी रहा है। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं तो इंग्लैंड लगातार 3 लॉस विन फिर लॉस, तो ये एक मैच जीती है लास्ट 5 में से। वही इंडिया अनबीटेबल है, 5 का 5 जीत के आ रही है। इंडिया को चाहे फर्स्ट बैट करा लो या फिर ज़्यादातर इंडिया जो मैच है वो चेज करते हुए जीत रही है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट बैट कर रही है, डिफेंड कराना आ जाए तो वो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। साउथ अफ्रीका को भी कल आपने देखा वर्सेस पाक, बहुत डिफिकल्टी हुई, जीत गए वो लास्ट में, लेकिन डिफिकल्टी हुई चेज करना। तो अपने रिदम से आउट खेलेंगे तो परेशानी हो सकती है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, सेम प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया जा सकती है। जॉनी बेयरस्टो, डेविड मिलान, जो रूट, बेन स्टोक, जॉस बटलर, लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड। अच्छा प्लेइंग 11 चूज किया था लास्ट मैच में, लेकिन बैड लक था, हार रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म टीम चल रही है। थोड़ा सा इन लोगों को रुक के खेलना पड़ेगा, ये एक ही टाइप का क्रिकेट नहीं चलने वाला है, आए मारे आए मारे। ठीक है, इतना लंबा टाइम के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, T20 नहीं है ये। रोहित शर्मा 46, 48, 86, 131, 0, तो लास्ट 3 मैच देख लीजिए आपका, 100 के बाद का हर मैच में लग रहा बड़ा खेलेंगे लेकिन आउट हो जा रहे हैं। ये भी इंग्लैंड वाले के जैसा हो गए, तेज खेलना है, रुकना नहीं है। तो इनको भी अगर थोड़ा संभाल के खेलेंगे, पिच भी वैसा नहीं है, तो ये 100 मार सकते हैं। कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन है ये। नाउ 19 मैच में 637 रन है, 137 हाईएस्ट है, 45 का एवरेज है, 200 है। तो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली 95, 103, 16, 55, 85, ये टफ कंडीशंस में आया था। कैप्टन के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, हेड टू हेड में नो डाउट, और इस टाइप के पिचेस में वो थोड़ा रुक के खेलते हैं तो सेंसिबल बैट्समैन बोल सकते हो। 35 मैच, 1340, 122 हाईएस्ट, 43 का एवरेज, 302 विकेट। तो इंग्लैंड के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बाकी जितने टीम के खिलाफ है, 43 का ही एवरेज कंटिन्यू कर रहे हैं। शुभमन गिल 26, 53, 16, 104, 74, इस वेन्यू पे खेला है, 3 रन मारा है, हेड टू हेड नहीं खेला है अभी तक। इनको कैप्टन बना लीजिए 2-3 टीम में, ग्रैंड लीग में हो सकता है ये बड़ा खेल सकते हैं इस वेन्यू पे। श्रेयस अय्यर 33, 19, 53, 25, 0, 2 मैच में 6 ही रन है, 6 का एवरेज है, 1 मैच खेला है इस वेन्यू पे, 50 रन मारा है। तो ये भी प्लेयर ठीक है, विकेट ऊपर से जाता है तो नीचे खेल सकता है, 2-3 मैच से चला भी नहीं है, परफॉर्मेंस इनका निकालना पड़ेगा। ठीक है, केएल राहुल 27, 34, 19, डीएनबी 97, ये लग रहा है कि बड़ा खेलेंगे, हो सकता है इनको कैप्टन बना ही लीजिए ग्रैंड लीग में। कैप्टन है लखनऊ सुपर जायंट्स के और इस वेन्यू को अच्छे से जानते हैं, विकेट अगर गिरती है ऊपर से तो संभालने का काम रहेगा। 210 रन है 9 मैच में, 108 हाईएस्ट भी, 13 का एवरेज, 100 है। जडेजा 39, डीएनबी बैटिंग नहीं आया, बाकी लास्ट में जो विकेट नहीं मिला 2-2, 0-3, इस मैच में इनको पिक करना है, विकेट निकालेंगे, स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक है और काफ़ी ज़बरदस्त इनका अभी रिदम चल रहा है। 25 मैच, 501 रन, 87 का एवरेज, 45 का भी एवरेज, 87 हाईएस्ट, 45 का एवरेज और 38 विकेट, काफ़ी ज़्यादा विकेट निकाला है इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, तो जरूर इनको पिक करना है। सूर्य कुमार 2, 8, 72, 50, 26, 3 मैच, 43 रन, 27 हाईएस्ट, 21 का एवरेज। कुलदीप यादव 2, 1, 2, 1, 2, हर मैच में 1 विकेट निकाल रहे हैं, ये तो मस्ट पिक प्लेयर होने वाले हैं इस वेन्यू को लेकर। 6 मैच में 10 विकेट भी है, इस वेन्यू पर भी 1 मैच में 1 विकेट निकाल रखा है इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं, बुमराह का बात कर लेते हैं, तो हर मैच में ये भी विकेट निकाल रहे हैं, 1, 2, 2, 4, 2, 6 मैच में 14 विकेट, 5 बॉलिंग में मस्ट पिक प्लेयर रहने वाला है। शमी 5, 1, 5, 2, 1, 14 मैच में 21 विकेट, इनसे बेटर ऑप्शन मैं बोलूंगा बुमराह के साथ जाइए, फॉर्म में है इनका, 1, 2, 2, 0, 1, ये उस टाइप के फॉर्म में नहीं लग रहे हैं जैसे एशिया कप में थे। 1 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच खेला है, विकेटलेस रह गए। तो चलिए अपोनेंट टीम का बात कर लेते हैं, जॉनी बेयरस्टो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30, 10, 2, 52, 33, सिर्फ फास्ट खेलना जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक के खेलेंगे बड़ा खेल सकते हैं। प्लेयर अच्छा है, स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन उसको बड़ा नहीं कर पा रहे, आप देख रहे हैं लास्ट 3 मैच में भी ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस है, लास्ट 3 के हर मैच का लास्ट 5 मैच में वैसा ही है, जा रहे हैं फिर वहाँ पे 50 के बाद या 50 से पहले ही आउट हो जा रहे हैं। 17, 627, 124 हाईएस्ट, 41 का एवरेज, 200। जो रूट 3, 2, 11, 82, 77, इनको भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग में, लास्ट 3 मैच फ्लॉप रहे हैं, इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं। 21 मैच में 739 रन है, तो 13 हाईएस्ट है, 46 का एवरेज, 300 है इनका,
इंडिया के खिलाफ, तो ठीक ठाक एवरेज से परफॉर्म कर रहे हैं। डेविड मिलान 28, 6, 32, 140, 14, 2 मैच में 86 रन है, 50 हाईएस्ट, 66 का एवरेज है। मस्ट पिक प्लेयर रहेगा कैप्टन के लिए, हेड टू हेड में 2-3 टीम में इनको भी एक बना सकते हो। बेन स्टोक 43, 5, 182, 1, 52, 20 मैच में 522 रन, 99 हाईएस्ट, 35 का एवरेज, 13 विकेट। ओवर रेट कर रहे हैं इनको, रिटर्न आ रहे हैं, लास्ट मैच में भी एकदम रिदम में नहीं थे, बस एक दो चौका निकल गया वही ठीक था, लेकिन लग नहीं रहे थे कि ये बड़ा खेल सकते हैं। आगे जॉस बटलर का देख लेते हैं, 8, 15, 9, 20, 43, एकदम आउट ऑफ फॉर्म है। आने के साथ ये डोमिनेट करना चाह रहे हैं बॉलर पर, जिसकी वजह से ये आउट हो रहे हैं। 22 मैच 425 रन, 67 हाईएस्ट, 22 का ही एवरेज है, वेन्यू पे नहीं खेला है। मोइन अली 15, 11, 3, 12, 33, बैटिंग से तो एकदम फ्लॉप है, लास्ट 2 मैच में बॉलिंग से भी फ्लॉप है, 4-1-2, 16 मैच 377, 67 हाईएस्ट, 26.92 एवरेज और 9 विकेट है। ड्रॉप करके चल सकते हैं इनको। लिविंगस्टोन 1, 10, 0, 20, 28, 0, 1, 1, 0, 1, ये भी पिकेबल प्लेयर नहीं होने वाला, कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। 5 में 27 रन, 36 हाईएस्ट, 30 का एवरेज, 2 विकेट। क्रिस वोक्स 0, 9, 14, 11, 3, 0, 0, 2, 0, 3, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी वैसे ही हाल है इनका। 12 मैच 113 रन, 34 हाईएस्ट, 14 का एवरेज, लेकिन 17 विकेट है इंडिया के खिलाफ। हो सकता है रिदम में कल आ जाए, जरूरी भी है इनके लिए। अब डेविड विली का बात कर लेते हैं, तो लास्ट मैच में 2 विकेट 0-1, 3-1, तो हर मैच ये विकेट निकाल ले, अच्छा प्लेयर हो सकता है, इनको पिक कर सकते हो। 9 मैच में 9 विकेट भी है। मार्क वुड 2 मैच से 0-2, 1-0, 6 मैच में 7 विकेट। ये इनको हटा के चलिए, क्योंकि इस पिच पे उतना बाउंस नहीं है जितना ये बाउंसर फेंकते हैं। 0-2-3-1-0, 8 मैच में 9 विकेट, इनको पिक कर लीजिए, स्पिनर है, अच्छा बॉलिंग करके देंगे इस पिच पे। चलिए जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने आपके लिए बनाई है, आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बेन स्टोक, जो रूट, डेविड मलान, शुभमन गिल, जडेजा, डेविड विली, बुमराह और कुलदीप यादव, ये तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है जिसमें मैंने हेड टू हेड के लिए कैप्टन केएल राहुल को बनाया, वाइस कैप्टन डेविड मलान को बना रहा हूँ। ये एलएसजी की तरफ से खेलते हैं, वो खूबी जानते हैं इस वेन्यू को और बड़ा खेल सकते हैं, बहुत दिन से नहीं खेल पा रहे, लग रहा खेलेंगे, लेकिन ये इनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। दूसरे ऑप्शन विराट कोहली बेस्ट रहेंगे और वाइस कैप्टन यहाँ पे जो रूट हेड टू हेड के लिए। बाकी आपको अगर बनाना है ग्रैंड लीग में तो शुभमन गिल को एक कैप्टन ट्राई कर लो और वाइस कैप्टन आप यहाँ पे ट्राई कर लो बेन स्टोक को, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए 7428525767, कोई भी डाउट हो मैच सेशंस खेलना है इस पर कॉन्टैक्ट करिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए ज्वाइन हो जाइए, डेमो वहीं आता है, सेशंस वहीं आता है, फ्री में, तो फायदा उठाइए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।